हाय, मेरा नाम रवि ढींगरा है। इस वीडियो में मैं डार्क फूड फोटोग्राफी के बारे में बात करूंगा, लो की फोटोग्राफी भी जिसको कहते हैं फूड के लिए। जब हम डार्क फूड फोटोग्राफी की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फूड को डार्क लगना चाहिए। फूड के आसपास जो सराउंडिंग है, फूड के आसपास जो प्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें डार्क यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक मूड क्रिएट हो जो थोड़ा फोटोग्राफ में अच्छा लगना चाहिए। ये मेरा कैमरा सेटअप है जो मैंने टेबल सेट की है, वो बहुत खिड़की के पास की है। इसके दो रीज़न हैं, एक तो सब्जेक्ट लाइट सोर्स के बहुत पास है और उसकी वजह से लाइट सॉफ्ट रहेगी। दूसरा, आप नोटिस करेंगे कि खिड़की के ऊपर एक ब्लाइंड लगी है, जिसकी वजह से लाइट भी अगेन बहुत सॉफ्ट आ रही है। अभी मैं थोड़ा सेटअप में चेंज कर रहा हूँ। पहले आपने जो हमने शॉट देखा था, जो कैमरा सेटअप का शॉट देखा था, उसमें बैकग्राउंड वाइट था। अभी मैंने एक ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर लगा दिया है। और एक और चेंज हमें करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि जो बोल है ये वाइट कलर का है। तो जब हम डार्क फूड फोटोग्राफी की बात करते हैं तो उसकी सराउंडिंग्स जो हैं, जो एम्बियंस है, वो डार्क होनी चाहिए। तो हम इस बोल को भी अभी चेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सेटअप पूरा चेंज हो गया है। बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है, आपका जो बेस है जिसके ऊपर फूड रखा गया है वो भी डार्क है, फूड का जो कलर है वो भी थोड़ा सा डार्कर साइड पे ही है। बट आप नोटिस करेंगे कि लाइट सारे तरफ से आ रही है, सब तरफ से लाइट आ रही है। तो अब हमें फूड के सराउंडिंग्स को डार्क करने के लिए लाइट को कट करना पड़ेगा, लाइट को स्पेसिफिक डायरेक्शंस में डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर की शीट्स यूज करूँगा। ये A3 साइज शीट्स हैं, थोड़ी सी मोटी हैं। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में इजीली अवेलेबल है। अगर आपका सेटअप बड़ा है तो आप बड़े साइज की शीट्स ले सकते हैं, चार्ट पेपर ले सकते हैं ब्लैक कलर का। इन शीट्स का पर्पस ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि लाइट सब तरफ से आ रही है, हमें लाइट जो चाहिए वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चाहिए। तो हम शीट्स को लाइट को कट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह से लाइट जो हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चाहिए है, वहीं पर लाइट आएगी। अभी आप देखेंगे कि लाइट यहाँ पर फूड के ऊपर चारों तरफ से आ रही है। विंडो तो मेन सोर्स है लाइट का, बट लाइट दूसरी तरफ से भी आ रही है, वाइट वॉल है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम लाइट कटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मैं इसको यहाँ यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कैमरा की लाइन से दूर रहेगा, बट लाइट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से, पीछे से एंगुलर बैक डायरेक्शन से आ रही है। बट इस डायरेक्शन से जो लाइट है वो पूरी कट हो गई है, यहाँ से कोई लाइट फॉल नहीं कर रही है इस डायरेक्शन से। दूसरी तरफ से थोड़ी बहुत लाइट बाउंस हो रही है, उसको मैं यहाँ दूसरे लाइट कटर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी लाइट अब जो आ रही है वो कट हो गई है। यहाँ पर अंदर आप नोट करेंगे मैंने एक रिफ्लेक्टर प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी वो थोड़ा सा फूड के ऊपर बाउंस बैक हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ इसको यहाँ रख देता हूँ। ये दोनों कैमरा की लाइन में नहीं आ रहे हैं, इनको प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा वो कैमरा से अलग करते हुए। थोड़ी सी लाइट अभी ऊपर से आ रही है। अब ऊपर से जो लाइट आ रही है उसको ब्लॉक करने के लिए एक ब्लैक कलर की शीट ऊपर और रख देता हूँ। तो ये मेरा सेटअप फूड के लिए रेडी हो जाता है। डार्क फूड फोटोग्राफी का ये मतलब नहीं है कि फूड को डार्क लगना चाहिए, फूड के ऊपर लाइट आनी चाहिए और जो एम्बियंस है, जो सराउंडिंग्स है, वो थोड़ा डार्क दिखनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी डार्क फूड फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।